हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण और अपना झोला उठा के मैं आ चुका हूँ गोवा में। और मैं हूँ अभी कैलंगोट में और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप टूरिस्ट प्लेसेस में अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली जी सकते हैं, कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देख रहे होगे स्कूटी पे। अगर आप गोवा में रीजनेबल रहना चाहते हो, कहीं घूमना फिरना चाहते हो, तो टैक्सी करने के बजाय एक स्कूटी आप किराए पे ले लो। और जो रेंटल रहता है एक्टिवा का, वो 300 रुपीज़ है, पेट्रोल आपका रहेगा। एक और अच्छा रेस्टोरेंट मेरे को नज़र आ रहा है, ग्रिल्स एंड करीज। यहाँ पे लाइव सिंगिंग भी चल रही है। ये रोड साइड पे ही है। लाइव सिंगिंग में ना मज़ा आ जाता है। जो कस्टमर्स होते हैं ना, कस्टमर्स को दारू के साथ लाइव सिंगिंग सुनने का मज़ा ही हो रहा है ना। कस्टमर भी खुशी से पैसे खर्च के जाते हैं और ज़्यादा पैसे खर्च के जाते हैं। लाइव सिंगर्स बुलाने का क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स का मोटो यही होता है। वी हैव अनदर रेस्टोरेंट। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं, फूडिंग की आपको दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, और प्राइसेस भी जो हैं वो भी अलग अलग हैं सभी के। आपको यहाँ पे हाई रेंज से लेकर लो रेंज तक मिलेगा सब कुछ। हाई में तो बहुत हाई भी चला जाएगा। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप उदीपी रेस्टोरेंट जाइए। उदीपी रेस्टोरेंट्स में जो है ये बिल्कुल वेजिटेरियन है। अगर आप वेजिटेरियन पसंद नहीं करते हैं तो ये रेस्टोरेंट्स आपको अच्छे नहीं लगने वाले। इफ़ यू आर अ नॉन वेज लवर, उदीपी रेस्टोरेंट से मेनली आपको मिलेगा साउथ इंडियन फूड। जो कैलंगोट में उदीपी रेस्टोरेंट है, ये पंजाबी फूड भी रखते हैं, बट मैं इनका जो है साउथ इंडियन फूड मैं प्रेफर करता हूँ। सफ़ेद चने अच्छे बनाते हैं ये लोग। सफ़ेद चने को, और सफ़ेद चने के अलावा ये जो है, अगर मैं आपको बोलूँ नॉर्थ इंडियन में, तो मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं। और वैसे मुझे उदीपी रेस्टोरेंट्स का, मुझे जो है ना, मुझे इनका साउथ इंडियन फूड अच्छा लगता है। ये देखिए एक और उदीपी रेस्टोरेंट। यहाँ पे कोई कमी नहीं है उदीपी रेस्टोरेंट्स की। प्योर वेज रेस्टोरेंट्स, वेजिटेरियन लोगों की तो यहाँ पे मौज है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो भाई साहब हैं, ये मेरे को डिस्को का कूपन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि बोलते हैं कि इस पे जो है डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट तो देखो, डिस्काउंट आप वैसे भी जाओगे आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये होता है कि लोग डिस्काउंट सोच लेते हैं और फिर जो है उनको वहीं पे जाके पता चलते हैं कि क्या क्या चार्जेस हैं। ऐसे आप किसी भी झांसे में ना फंसें। कुछ भी कहीं भी फ्री में नहीं मिलता, बस इस बात को आप याद रखें। अगर कोई आपको कोई चीज़ फ्री में देता है तो वो आपका दोस्त नहीं है, उसको आपसे कोई ना कोई मतलब ज़रूर है। गोवा के बारे में आपको एक और बात बता देता हूँ कि गोवा का जो सबसे सस्ता शहर है वो है मड़गांव। मड़गांव इज़ द होलसेल, आप कह सकते हो मड़गांव जो है वो गोवा का होलसेल वाला शहर है। और जो वहाँ पर प्राइजेस है ना, आप जो ब्रेकफास्ट है वो आप 20 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक बहुत ईजिली कर सकते हो। और मड़गांव में जो है आप लंच आपका 30 रुपीज़ से लेके 70 रुपीज़ तक हो सकता है। एंड अगर आप जाते हो मड़गांव में डिनर के लिए, तो डिनर आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर इकोनॉमिकली जाना चाहते हो तो डिनर आप अराउंड 50 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़ तक कर सकते हो। अनदर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की कोई कमी नहीं है कैलंगोट में। और हाँ, जैसे आप सामने एक देख सकते हैं हट टाइप है, ये बिल्कुल छोटी सी दुकान है। अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं इकोनॉमिकली, तो आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप अराउंड 30 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वड़ा पाव,
और जो है आइटम्स लाइक वड़ा पाव, भाजी पाव, ये सब मिल जाएगा, पाव भाजी, ऐसी आइटम्स आपको मिलेंगी। ये देखिए, आपको ऐसे काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे कि आपको खाना सस्ता मिल जाएगा। भैया मैगी कितने की है? मैगी कौन सा है? मसाला मैगी है। अच्छा ठीक है, तो इनके पास काफ़ी तरह की मैगीज हैं। कितने से स्टार्ट होती है मैगी? 40 रुपए से मैगी इनके पास स्टार्ट हो जाती है। और कितने तक जाती है, कितने तक है मैगी? 40 रुपए से मैगी स्टार्ट हो जाती है इनके पास, और 120 रुपए तक मैगी मिलती है। तो देखा, आपको एक और ऑप्शन मिल गया इकोनॉमिकल फूड का। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो है वो हॉस्टल आ चुका है, इसमें चलते हैं, आपको दिखाते हैं हॉस्टल। दिस इज द रिसेप्शन एरिया, मैं चेक इन कर चुका हूँ। ये भैया सिंगर हैं, दिल्ली से आए हैं। भैया हाय बोलिए सभी को। हेलो। और ये भैया मेकअप आर्टिस्ट हैं। कभी आपको जरूरत हो मेकअप वगैरह करवाने की तो जरूर बंदे को याद कीजिएगा। सी यू। हॉस्टल में देखिए हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ तो ऐसे खिलेरा डाल के जाते हैं मेरे जैसे, मगर ये बेड मेरा नहीं है। एंड ऐसे भी होते हैं जिनको जो सब कुछ मेंटेन रखते हैं। ये भाई जो हैं ये झारखंड से हैं, रांची से, जो ऐसे बेड्स हैं ये आपको कैलंगोट में 400 रुपीस में मिल जाते हैं ऐसे हॉस्टल में वन नाइट के लिए। 400 रुपीस इज ए वेरी रिजनेबल प्राइस फॉर एरिया लाइक कैलंगोट। वॉशरूम भी ठीक है, कमोड बिल्कुल साफ है, और मैंने पता क्या देखा है, सस्ते होटल्स में ना कभी कभी क्या होता है कि आप रूम ले लेते हो सस्ता तो बदबू आती है काफ़ी, यहाँ पे वैसा सीन नहीं है कोई भी, मतलब ये रहने के लिए अच्छा है, मेंटेन्ड है, आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। हाँ, इसमें शेयरिंग है। हेलो। तो ये जो भाई हैं ये रांची से इधर आए हैं, ये कैसीनो में जॉब करते हैं और इनका काम है लोगों को दारू पिलाना। कहने का मतलब ये है इनको देख के लोगों को नशा चढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स आइए अभी टोटल करते हैं कि कितना खर्चा होता है कैलंगोट अगर आप आते हो आपके रहने का। गोवा में अगर आप कैलंगोट जैसे एरिया में आते हो तो आपके रहने का खर्चा होता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आप करोगे 30 रुपीज़ का, फिर लंच में अगर आप डोसा खाते हो तो 70 रुपीज़, 100 रुपीज़ हो गए यहाँ पे, और डिनर में अगर आप थाली लेते हो तो थाली आपको मिनिमम 150 रुपीज़ की मिलेगी, वो भी आपको उदीपी थाली मिलेगी, साउथ इंडियन थाली मिलेगी, और ये हो गया आपका 250। और रूम जो है, रूम मैंने आपको दिखा दिया, रूम जो है वो हो गया 400 रुपीज़ का, मींस ये 650 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंगली आप कैलंगोट जैसे एरिया में रह सकते हैं। एंड आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से प्रेस कर दीजिए लाइक बटन, और शेयर बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा।